हमारे शरीर का बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है, इसलिए इसका सही से ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्किन पर प्रदूषण, धूल मिट्टी, पराग कण, केमिकल इत्यादि से एलर्जी की शिकायत भी हो सकती है। और हम में से ऐसे कई लोग हैं जिनको स्किन एलर्जी की भी शिकायत होती है। स्किन एलर्जी की शिकायत होने पर खुजली, रेशे, दाने, सूजन इत्यादि के लक्षण दिखाई देते हैं। स्किन एलर्जी से राहत पाने के लिए आप आयुर्वेदिक इलाज का सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेदिक में स्किन एलर्जी की परेशानियों को दूर करने के लिए कई उपचार हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे स्किन एलर्जी के लिए आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आप भी चैनल पर पहली बार आए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी सही जानकारियाँ मैं आपके लिए रोज लाती रहती हूँ। और कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना और समय पर आपको इसकी जानकारी मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्किन एलर्जी के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। स्किन एलर्जी की शिकायत को दूर करने के लिए आप आयुर्वेदिक इलाज का सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेदिक इलाज के दौरान आपको कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, जैसे फर्स्ट तुलसी की पत्तियाँ। तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल आयुर्वेद में काफी समय से किया जा रहा है, और आयुर्वेद के मुताबिक तुलसी की पत्तियाँ कई आयुर्वेदिक औषधि गुणों से भरपूर होती है। और कई अध्ययनों में ये पता चलता है कि तुलसी की पत्तियाँ एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी मलेरियन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कार्सिनोजेनिक, एनाल्जेसिक, एंटी एलर्जी इत्यादि गुण छिपे होते हैं। तुलसी की पत्तियों में मौजूद एंटी एलर्जी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आपकी स्किन पर होने वाली एलर्जी को दूर करने के लिए मददगार होते हैं। इससे स्किन पर होने वाली सूजन को कम किया जा सकता है। स्किन एलर्जी होने पर आप तुलसी की पत्तियों से बना लेप लगा सकते हैं। सेकेंड, ब्राह्मी। स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए आप ब्राह्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राह्मी में एंटी एलर्जी और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जो स्किन से एलर्जी की शिकायत को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। स्किन पर एक्जिमा की परेशानी को दूर करने के लिए आप ब्राह्मी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा आयुर्वेद में ब्राह्मी का इस्तेमाल पाउडर पत्तियां और अर्घ के रूप में भी किया जाता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, हल्दी। आयुर्वेद में हल्दी का खास महत्व है। हल्दी का इस्तेमाल लगभग हर भारतीय घर में किया जाता है। दरअसल हल्दी में कर्क्यूमिन यौगिक मौजूद होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। हल्दी के इन्हीं गुणों की वजह से स्किन एलर्जी की परेशानी से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। स्किन पर होने वाली सूजन को कम करने में हल्दी असरकारी हो सकता है। अगर आपको एक्जिमा की शिकायत है तो आप इसका इस्तेमाल लेप के रूप में भी कर सकते हैं। वहीं कुछ अन्य तरीकों से भी हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्किन एलर्जी की शिकायत होने पर आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार हल्दी का इस्तेमाल करें। फोर्थ, नीम। स्किन एलर्जी की शिकायत को दूर करने के लिए आप नीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर होते हैं, जो स्किन एलर्जी की शिकायत को दूर करने में असरकारी है। स्किन एलर्जी की शिकायत होने पर आप नीम से तैयार लेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम की पत्तियों का कई तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नीम का पानी, नीम ऑयल, नीम की गोलियां इत्यादि से। स्किन पर किसी भी तरह की परेशानी होने पर आप नीम का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से राय जरूर लें। फिफ्थ, त्रिफला। त्रिफला का इस्तेमाल आप स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। दरअसल त्रिफला में एंटी एलर्जी गुण होता है, जो स्किन पर होने वाली एलर्जी को दूर करने में भी असरकारी होता है। इसके अलावा त्रिफला एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जो एक्जिमा के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आपको स्किन एलर्जी है तो आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, और डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना आपके लिए उचित है। स्किन एलर्जी के लिए पंचकर्म थेरेपी। आयुर्वेद में पंचकर्म का खास महत्व है। पंचकर्म थेरेपी से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। स्किन एलर्जी जैसे एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल की शिकायत को दूर करने के लिए आप पंचकर्म थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। पंचकर्म थेरेपी के लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचकर्म थेरेपी में आपको कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जैसे 5 से 7 दिन तक औषधि घी का सेवन, पूरे शरीर का तेल से मालिश, शरीर में पसीना निकालने की क्रिया, शुद्धिकरण और उल्टी को प्रेरित करने की क्रिया। इन सभी उपायों की मदद से आपके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को निकाला जाता है, और साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट करने की कोशिश की जाती है, जिससे आपका शरीर एलर्जी से लड़ने में सक्षम हो सके। स्किन एलर्जी के लिए अन्य आयुर्वेदिक उपचार। एलर्जी की परेशानी को दूर करने के लिए आयुर्वेद में कुछ अन्य तरीकों को भी अपनाया जा सकता है, जैसे ओटमील बाथ,
नारियल तेल लगाने की सलाह जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। एलोवेरा जेल लगाने की सलाह ताकि स्किन पर सूजन रैशेस से बचाव किया जा सके। तनाव को कम करके स्किन एलर्जी को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। तनाव कम करने के लिए कुछ खास मसाज, दवाइयाँ और म्यूजिक थेरेपी दी जा सकती है और खान पान में बदलाव करके भी स्किन एलर्जी की शिकायत को दूर करने की कोशिश की जा सकती है। स्किन एलर्जी को दूर करने के लिए आयुर्वेद में इन तरीकों से आपका इलाज किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि स्किन पर एलर्जी की शिकायत होने पर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें ताकि एलर्जी को बढ़ने से रोका जा सके, और बिना डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज ना करें, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी सही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।